एथर 450X का जनरेशन 3 लॉन्च हो चुका है एंड जनरेशन 2 भी मार्केट में है। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हम जनरेशन 2 परचेस करें या जनरेशन 3 परचेस करें, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे डिफरेंस ज़्यादा कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, तो इट्स बेटर कि हम जनरेशन 2 लें, या आप हमको थोड़ा इलेबोरेट करके हमको बता दो। तो ये वीडियो उन लोग के लिए जो बेसिकली एथर 450 जनरेशन 2 एंड 3 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हैं। वेल, जनरेशन 3 है तो कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी। सबसे पहली चीज़ तो प्राइसिंग, जिस कारण से आपको जेन 3 लेना चाहिए रेदर जेन 2। जेन 2 की जो प्राइसिंग है 1.50 लाख, और जो जनरेशन 3 आई है इसका प्राइस है 1,55,000। दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ ही आपको ज़्यादा पे करना है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं भाई बैटरी की। तो यहाँ पे जो 450X जनरेशन 2 है उसमें 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी थी, छोटी बैटरी थी इसलिए रेंज भी थोड़ा कम था। वही जो जनरेशन 3 आई है यहाँ पे जो बैटरी है दैट इज 3.7 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी। ये बैटरी बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी होने के कारण यहाँ पे जो रेंज है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन साथ में जो इसका वेट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मोटर की बात करते हैं तो मोटर दोनों ही वेरियंट्स में सेम है, यानी जनरेशन 2 या जनरेशन 3 आपको 6 किलोवाट की आपको मोटर देखने को मिलती है। वही अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोनों ही मोटर में सेम टॉर्क मिलता है, 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है जो पहले थी वो अभी भी है, यानी जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोटर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो जनरेशन 2 हो चाहे वो जनरेशन 3 हो। अब आती है यहाँ पे रेंज, जहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव होता है। रियल रेंज यहाँ पे जनरेशन 3 का है 105, एंड वही अगर हम पुराने वाले वेरियंट की बात करें जनरेशन 2 की तो वहाँ पे मिलता है सिर्फ और सिर्फ 85 किलोमीटर की रेंज। एंड यही एक ड्रॉबैक था एथर का, इस कारण से लोग इस गाड़ी को बहुत कम लेने का सोचते थे, या तो वेट करते थे कि ओला आ जाए तो ओला हम परचेस कर लेते। वही अगर मैं वेट की बात करूँ तो जनरेशन 3 थोड़ा सा हेवी हो चुका है, 111.6 kg, और जनरेशन 2 आज भी 108 kg की है, तो थोड़ा सा वेट तो गेन हुआ है जनरेशन 3 में। टायर्स में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं जनरेशन 3 में। जनरेशन 2 की बात कर लेते हैं, 90x90 का 12 इंच का फ्रंट, 90x80 का 12 इंच का रियर। नया वाला जो वेरिएंट है इसमें 90x90 का फ्रंट टायर 12 इंच का, एंड रियर टायर आपको मिलता है 100x80 का 12 इंच का, और ये मिलता है आपको MRF के जैप पर, और ये थोड़े अच्छे टायर है, थोड़ा स्टिकी टायर है, अच्छे ग्रिप होती है, और इसमें ब्रेकिंग इंप्रूव हुई है एथर न्यू जनरेशन की। तो यहाँ पे एथर थोड़ा बेहतर हो जाता है जेन 3। अब दोनों की IDC रेंज की बात करते हैं तो जो बेसिकली कंपनी ने ARI सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया होगा उस टाइम इनका रेंज निकल गया 146 जो न्यू वेरियंट है उसमें। ओल्डर वेरियंट का 116 किलोमीटर है, बट रियल रेंज आप लोगों को पता ही है 105 और 85 है। अब बात करते हैं इको मोड में क्या रेंज देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको पता ही है इको में सबसे ज्यादा रेंज मिलता है, तो जनरेशन 3 में 105 और जो जनरेशन 2 है उसमें सिर्फ 85, दैट्स इट। वही अगर राइड मोड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो जनरेशन 3 है उसमें 85 और जनरेशन 2 में 65 किलोमीटर, दैट्स इट। और अगर मैं वॉक मोड की बात करूँ जिसमें सबसे ज्यादा पावर मिलता है एथर गाड़ी में, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके रेंज में, यानी कि जनरेशन 3 में 65 किलोमीटर कवर कर सकते हैं और जनरेशन 2 में जस्ट 55। और देखा जाए तो बस इतना ही चेंजेस है, और एक और एसेसरीज ऐड हुआ है थर्ड पर्सन, और बोल सकते हो फीमेल जो साइड होकर बैठती है उसके लिए फुटरेस्ट ऐड कर दिया गया है। तो दैट्स इट, इतना ही अपडेट है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि जनरेशन 2 या जनरेशन 3, ऑब्वियसली यार जनरेशन 3 आपको पिक करना चाहिए जिसमें ज़्यादा वैल्यू है सिर्फ 5,000 रुपये देके। आई होप समझ में आया होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या हम सिंपल वन ले, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सुन लेना कि क्या कहानी है सिंपल वन की। तो आज की वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।